निवेदिता शुक्ला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार करते करते नेता ये तक भूल जा रहे हैं कि उन्हें कब, क्या और कैसे बोलना चाहिए। यहाँ तक कि नेताओं की गंभीर बीमारी का भी मजाक बनाने से नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी की कांग्रेस में तो इन दिनों यही दिख रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू बीमारी से जूझ रहे थे, तो उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने इसे सुअर का जुकाम बताकर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें और भी गंभीर बीमारियां होंगी। अमित शाह की बीमारी का मजाक उड़ाने के बाद कांग्रेस अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का भी मजाक उड़ा रही है। पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे मनोहर पर्रिकर से मंगलवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवा सीएम आवास में जाकर मुलाकात की थी। राहुल जी की आज जो गोवा में विजिट है जो टोटली प्राइवेट है, लेकिन ये गोवा में आने के आए हैं तो सीएम साहब तो बीमार है, इसलिए उनकी जानकारी लेने के लिए, उसकी तबीयत के बारे में सब जानने के लिए वो आए थे। सीएम के चैम्बर में सीएम को पहले मिले, उनसे एक 5 मिनट उनकी बातचीत हुई, हाल साल सब पूछे। उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो एमएलए जो है उनको भी मिली है, कि वो तो हरी में थे, फिर भी उन्होंने बोला कि सब मैं कांग्रेस एमएलए को मिलना चाहता हूं, और हमारे लॉबी में आके वो सब एमएलए को मिले भी। राहुल गांधी ने जहां पर्रिकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, तो वहीं कुछ ही देर बाद गोवा कांग्रेस अध्यक्ष उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते दिखे। दरअसल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बावजूद पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा सीएम मनोहर पर्रिकर अक्सर ड्रिप लगाए सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दे जाते हैं। पिछले ही दिनों पणजी में अटल सेतु के उद्घाटन में पहुंचे पर्रिकर ने उरी फिल्म का मशहूर डायलॉग हाउस द जोश बोलकर लोगों में उत्साह बढ़ाने की कोशिश की थी, जो तेजी से वायरल हो रहा है। पर्रिकर के इस डायलॉग पर गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन चरमरा गया है और राज्य संकट में घिर रहा है। ऐसे में कुछ नेता पूछ रहे हैं, जोश कैसा है? पहले होश में आओ, बाद में जोश की बात करो। राज्य में हर कोई सो रहा है, मंत्री सो रहे हैं और इस कारण प्रशासन चरमरा गया है। आपको बता दें कि पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे सीएम पर्रिकर अमेरिका, दिल्ली और मुंबई में इलाज करा चुके हैं। दिसंबर में ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए पर्रिकर अक्सर ड्रिप लगाए दिखाई दे जाते हैं। पीएम मोदी ने भी हाल ही में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पर्रिकर को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी थी। सबसे पहले तो मेरे परम मित्र और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक प्रकार से आधुनिक गोवा बनाने के आर्किटेक्ट ऐसे मेरे मित्र मनोहर जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। और इस स्थिति में भी जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मनोहर जी का ये जो जज्बा है काम करने के लिए, उनकी जो एक धगस है, वो सचमुच में प्रेरणा देने वाली है। माइनिंग के बारे में गोवा में काफी चिंता है और चिंता बहुत स्वाभाविक है। हम रास्ते ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे दोनों गोवा के सांसद इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस विषय के जानकार लोगों से बातचीत हो रही है। गरीब की रोटी को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चलता है मैं उसे भी देखता हूं। एक तरफ कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं की बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं, तो वहीं पीएम मोदी भले ही कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते रहे हों, मगर कांग्रेस नेताओं की बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाते। अगस्त 2016 में ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब बनारस में रोड शो करने पहुंची थी, तो तेज धूप की वजह से बीमार हुई सोनिया को रोड शो बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा था। चुनावी माहौल में वार पलटवार के बावजूद पीएम मोदी ने शीला दीक्षित को खुद फोन कर अचानक बीमार पड़ी सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी, तो वहीं जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी।